नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। प्रदेश में अगले साल होने वाले मनपा और नगर परिषद के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू होगा, जबकि मनपा और नगर परिषदों में सभी समुदायों के आरक्षण मिलाकर 50% से अधिक नहीं होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के अतिवृष्टि से प्रभावित मराठवाड़ा के दौरे को राजनीतिक करार दिया था, तो फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि राउत कागजी नेता है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच धारणी, चिखलदरा और मेलघाट की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार ने कई स्तर पर योजनाओं का खाका बनाया है। इसकी जानकारी सरकार ने हाईकोर्ट में दी है। उधर ठाकरे सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना के कारण इस बार भी सार्वजनिक रूप से गरबा, डांडिया, दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। पुणे में भारी बारिश के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 1 पानी से लबालब भर गया है। लोगों को 3 साल पहले की परेशानी याद आई। प्रदेश की इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मनपा और नगर परिषदों में 27% आरक्षण लागू करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार प्रदेश में अगले साल होने वाले मनपा और नगर परिषद के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू होगा, जबकि मनपा और नगर परिषदों में सभी समुदायों के आरक्षण मिलाकर 50% से अधिक नहीं होगा। बता दें कि बीते 22 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने नगर निकायों में 27% आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने का फैसला किया था और अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। इसके पहले राज्यपाल बीते 23 सितंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मंजूरी दी थी। राज्यपाल ने नगर परिषदों में 2 सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू करने के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पहले राज्यपाल ने मुंबई छोड़कर बाकी मनपा क्षेत्रों में 3 सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू करने के अध्यादेश को 30 सितंबर को मंजूरी दी थी। राजनीतिक हलकों में इसे अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के अतिवृष्टि से प्रभावित मराठवाड़ा के दौरे को राजनीतिक करार दिया था। फडणवीस ने राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि वे किसानों का दुख समझ नहीं सकते, राउत कागजी नेता है। इसके जवाब में राउत ने कहा कि फडणवीस मराठवाड़ा में किसानों का दुख समझने के लिए गए थे या फिर नांदेड़ के देगलूर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष साबने को भाजपा में शामिल करवाने गए थे। ध्यान रहे कि साबने ने नांदेड़ में फडणवीस से मुलाकात की थी और इस मुलाकात पर शिवसेना में कटाक्ष किए थे। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र के जरिए भी फडणवीस के मराठवाड़ा दौरे को लेकर सवाल उठाए। मुखपत्र में शिवसेना ने कहा कि फडणवीस का आपदा प्रभावितों को सांत्वना एक मुखौटा था, उनका दौरा राजनीतिक था, उन्होंने देगलूर उपचुनाव में दलीय राजनीति दिखाई है। इस पर फडणवीस ने कहा कि राउत शिवसेना के कार्यालय में बैठकर संपादकीय लिख नेता बने हैं, उन्हें किसानों की समस्या समझ में नहीं आ सकती। राउत ने कभी किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को नहीं जाना है, यदि वे किसानों से मिलते तो मेरी आलोचना करने की हिम्मत नहीं करते। हाईकोर्ट में राज्य के आदिवासी इलाकों, खासतौर से मेलघाट, धारणी व चिखलदरा में महिलाओं व बच्चों की होने वाली मौत व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के मुद्दे को लेकर डॉक्टर राजेंद्र वर्मा व अन्य लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मेलघाट व आदिवासी इलाकों में बच्चों की मौत रोकने व स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी को लेकर हर 2 सप्ताह में एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दायर कर कहा है कि सरकार धारणी व चिखलदरा के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार कर रही है। 29 व 30 सितंबर को विशेष टीम ने धारणी व चिखलदरा इलाकों का दौरा भी किया है। धारणी व चिखलदरा के लिए तैयार की जाने वाले अल्प व दीर्घकालिक योजनाओं की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करने के लिए विशेष तौर पर 15 टीमें बनाई गई है। विशेष रूप से धारणी व चिखलदरा के लिए राज्य व क्षेत्रीय स्तर पर 2 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो हर पखवाड़े इन दिनों इलाके की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगे और इलाके में लागू कार्य योजना का भी मूल्यांकन करेंगे। पिछले सप्ताह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर बाकी इलाकों में गरबा की अनुमति देने के लिए सांस्कृतिक कार्य विभाग तैयार है, लेकिन अब नवरात्र मनाने के लिए ठाकरे सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अनुसार सार्वजनिक रूप से गरबा, डांडिया, दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकेंगे। देवी दर्शन की सुविधा ऑनलाइन, केबल नेटवर्क, वेबसाइट और फेसबुक से करानी होगी,
नए नियम के अनुसार सार्वजनिक मंडलों में आरती, भजन, कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम करते समय भीड़ को टालना होगा। ध्वनि प्रदूषण संबंधी सभी नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना पड़ेगा। पारंपरिक तरीके से विसर्जन स्थल की बजाय घर पर आरती करें और विसर्जन स्थल पर जाएं। विसर्जन स्थल पर छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को जाने पर रोक रहेगी। मंडप में खाद्य पदार्थ और पेयजल की व्यवस्था करने पर सख्त मनाही होगी। दुर्गा आगमन और विसर्जन के मौके पर किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। मनपा और संबंधित स्थानीय प्रशासन के नीति के अनुरूप मंडप बनाना होगा। सार्वजनिक मंडलों में एक समय में 5 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित नहीं रहेंगे। विसर्जन के लिए एक साथ जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। पुणे में सोमवार की शाम हुई बारिश ने पुणे वासियों को मुश्किल में डाल दिया। इसका असर रेलवे यात्रियों पर भी हुआ। पुणे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पानी से लबालब भर गया। प्लेटफॉर्म 1 पर 3 से 4 फीट पानी भर गया था, जबकि अम्ब्रेला गेट में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। यात्रियों की बैग इस पानी में बहकर जाने लगी। स्टेशन के कई विभागों में पानी घुस जाने से कर्मचारियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुणे में शाम को बारिश शुरू हुई थी, इसके बाद ही स्टेशन परिसर में पानी जमा होना शुरू हो गया। पानी का जोर बढ़ने पर रेलवे लाइन पर भारी मात्रा में पानी जमा होना शुरू हो गया। रेलवे लाइन पर करीब 3 फीट तक पानी जमा हो गया था, लेकिन रेलवे प्रशासन ने बताया कि इसका रेल सेवा पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ गाड़ियों को मेन लाइन से हटा लिया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मेडिकल स्टोर, पार्सल ऑफिस आदि जगहों पर भी पानी भर गया था। पार्सल ऑफिस में पानी भर जाने से यहाँ रखा सामान भीग नहीं जाए, इसके लिए कर्मचारियों को काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ी। 2 वर्ष पहले इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन रेलवे प्रशासन द्वारा उचित उपाय नहीं किए जाने के कारण इसका असर रेलवे यात्रियों पर होता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के हॉर्न की कर्कश ध्वनि से जल्द छुटकारा दिलाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, तो राजनीति के संदर्भ में आज कांग्रेस की ही चर्चा है। बिहार उपचुनाव में सीटों को लेकर आरजेडी के साथ खटपट अल्टीमेटम तक जा पहुंची है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब सब ठीक है। प्रदेश में परिवर्तन की अटकलों के बीच पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले पार्टी के 35 विधायक सोमवार शाम को रायपुर लौट आए। इस बीच फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवाएं सोमवार रात करीब 6 घंटे ठप रही। इससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हुई। फेसबुक को इतने ही देर में $7 अरब अर्थात 52,100 करोड़ रुपए का बड़ा झटका लगा है। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई तट से क्रूज जहाज से प्रतिबंधित दवाओं की जब्ती के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। देश भर की इन 5 ताजातरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के हॉर्न की कर्कश ध्वनि से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे लेकर गंभीर है। नासिक में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम ऐसा कानून लाने की योजना बना रहे हैं जिसके तहत वाहनों के हॉर्न के रूप में केवल भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज का इस्तेमाल किया जाए। गाड़ियों में बजने वाले तेज हॉर्न और सायरन काफी परेशान करने वाले होते और कई बार तो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। खासकर मंत्रियों के गुजरते समय सायरन का इस्तेमाल जोरदार आवाज में किया जाता है, जो बहुत परेशान करने वाला होता है। इससे कानों को भी नुकसान पहुंचता है। मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं और जल्द ही एक कानून बनाने की योजना बना रहा हूं कि सभी वाहनों के हॉर्न से भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज आए, ताकि उन्हें सुनना कर्णप्रिय रहे। गडकरी ने कहा कि हमने लाल बत्ती खत्म कर दी है, अब मैं इन सायरन को भी खत्म करना चाहता हूँ। गडकरी के इस विचार से काफी लोगों की सहमति नजर आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके इस मंतव्य के साथ काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखना काफी रोचक होगा कि अगर वास्तव में ऐसा होता है तो सड़क से गुजरते वक्त हमें कैसा महसूस होता है। बिहार उपचुनाव के बीच कांग्रेस और आरजेडी में खटपट जारी है। अब कांग्रेस ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है कि आज रात तक यदि आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से अपने घोषित उम्मीदवार गणेश भारती का नाम वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस मंगलवार को कुशेश्वर स्थान के साथ साथ तारापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा करेगी। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से आरजेडी ने तारापुर के साथ साथ कुशेश्वर स्थान सीट के लिए भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, उससे पार्टी बेहद नाराज है और मानती है कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। एक तरफा घोषणा से कांग्रेस आश्चर्यचकित है और हमने इस बात की जानकारी पार्टी आलाकमान को भी दे दी है। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि अब वह दोनों सीटों पर हम लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे। कांग्रेस नेता ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया कि यदि आज रात तक पार्टी ने अपने उम्मीदवार गणेश भारती का नाम वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस कुशेश्वर स्थान के साथ तारापुर में भी आरजेडी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार देगी।
कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में संभावित परिवर्तन की अटकलों के बीच पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले पार्टी के कम 35 विधायक सोमवार शाम को रायपुर लौट आए। उनमें से ज्यादातर ने विशेष विमान से यहां हवाई अड्डे पर उतरने के बाद राज्य कांग्रेस में सब ठीक है कहा। इस बीच यह भी अटकलें हैं कि संभावित नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला फिर से टल गया है। बघेल के करीबी माने जाने वाले विधायकों के पिछले सप्ताह अलग अलग दिनों में दिल्ली आने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री को बदलने की अटकलों का दौर चल रहा है। हालांकि सीएम ने कहा था कि कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जो जाहिर तौर पर बघेल की जगह लेने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने भी विधायकों के दिल्ली दौरे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे कोई मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सिंहदेव ने दोहराया था कि कांग्रेस आलाकमान के पास यह मामला है। जून 2021 में मुख्यमंत्री के रूप में बघेल के 2.5 साल पूरे करने के बाद संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बारे में चर्चा शुरू हुई। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवाएं सोमवार रात करीब 6 घंटे ठप रहने से दुनिया भर में यूजर को काफी दिक्कतें आई। वहीं इसके फेसबुक के शेयर्स में भी 5% की बड़ी गिरावट आई और कंपनी को $7 अरब अर्थात 52,100 करोड़ रुपए का बड़ा झटका लगा। बता दें कि विश्व की दिग्गज टेक कंपनी फेसबुक में यह 2008 के बाद आई सबसे बड़ी तकनीकी खामी है। फेसबुक साल 2008 में एक वायरस की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद साइट पूरे 24 घंटे तक ठप रही थी। हालांकि तब फेसबुक में यूजर्स 10 करोड़ भी नहीं थे, लेकिन अब विश्व में फेसबुक के यूजर्स की संख्या अरबों में है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने यूजर्स को हुई इस खामी के लिए माफी भी मांगी थी। व्हाट्सएप ने भी एक बयान जारी कर यूजर को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी है। उसने कहा है कि व्हाट्सएप की सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो रही है और हम तकनीकी गड़बड़ियों पर काम कर रहे हैं। उपयोगकर्ताओं का कहना है कि सोमवार रात को फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की वेबसाइट या ऐप खोलने पर सर्वर एरर का संदेश आ रहा था। सोशल साइट की तकनीकी खामियों पर निगाह रखने वाली डाउन डिटेक्टर काम का कहना है कि यह तकनीकी दिक्कत दुनिया के सभी हिस्सों में सामने आई, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि इससे कितने यूजर्स प्रभावित हुए होंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई तट से एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित दवाओं की जब्ती के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी जांच के लिए क्रूज जहाज पर पकड़े गए लोगों के अलावा कुछ संदिग्धों को भी एनसीबी के कार्यालय में भी ले आई थी। अधिकारी ने अपनी पहचान बताए बिना कहा कि संदिग्धों से पूछताछ के दौरान 2 और लोगों की भूमिका सामने आई, उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त करने के मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी तरफ एनसीबी ने अदालत के समक्ष दावा किया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान और 2 अन्य लोगों के व्हाट्सएप चैट में बरामद चौंकाने वाली और आपत्तिजनक सामग्री अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को दर्शाती है। उसका दावा है कि व्हाट्सएप चैट में वह दवाओं की खरीद के लिए किए जाने वाले भुगतान के तरीकों पर चर्चा कर रहा है। जांच एजेंसी ने कहा कि इस दौरान कई कोड का उपयोग किया गया। इस बीच आर्यन खान के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में चीन के 145 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। इसे लेकर अमेरिका ने अपनी चिंता जताई है और कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे को लेकर लताड़ लगाई है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इसी बीच जर्मनी में अमेरिका सैन्य ठिकानों पर 9,000 से अधिक अफगान शरणार्थी इस कारण फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ अफगानों में अमेरिका पहुंचने पर खसरे का पता चला था। तुर्की में खोजकर्ताओं ने 11,000 साल पुरानी मानव आकृतियों और सिर की नक्काशी की खोज की है और न्यूजीलैंड सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है कि वह विश्व के अन्य अधिकतर देशों की तरह ही कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकती है। दुनिया भर की इन 5 ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका ने ताइवान के समीप चीन की सैन्य गतिविधि को उकसावे वाली करार दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि हम ताइवान के समीप चीन की उकसावे वाली सैन्य गतिविधि को लेकर चिंतित हैं, जो क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को कमतर करती है। हम बीजिंग से ताइवान के खिलाफ अपना सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव तथा बलपूर्वक कार्रवाई बंद करने का अनुरोध करते हैं। ताइवान जलडमरु मध्य में शांति एवं स्थिरता में हमारा स्थायी हित है, इसलिए हम आत्मरक्षा की क्षमता बनाए रखने में ताइवान की सहायता करते रहेंगे।
एक अलग बयान में सांसद मार्को रूबिया ने कहा कि शुक्रवार से लेकर अब तक ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में चीन के 145 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। ये गतिविधियां ताइवान के राष्ट्रीय दिवस से कुछ ही दिनों पहले और चीन के राष्ट्रीय दिवस पर शुरू हुई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का आक्रामक व्यवहार ताइवान को डराने धमकाने के लिए है और वह बाकी की दुनिया को एक संदेश भेजना चाहता है। अगर चीन की इन हरकतों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा नहीं की तो राष्ट्रपति शी जिनफिंग सोचेंगे कि उन्हें आगे और आक्रामक गतिविधियों की हरी झंडी मिल गई है। विदेश प्रभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने भी पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ताइवान के समीप चीन की उकसावे वाली सैन्य गतिविधि को लेकर बहुत चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे को लेकर लताड़ लगाई है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। दरअसल निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से संबंधित महासभा की पहली समिति बैठक में पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने लगा, जिसका भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को दुनिया को अस्थिर करने वाली ताकत बताया। भारत ने कहा कि ऐसे देश से रचनात्मक योगदान की उम्मीद नहीं की जा सकती जो हमेशा से आतंकवादियों की मेजबानी करता आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार ए अमरनाथ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई निरर्थक और निराधार आरोप लगाए हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। इन पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है क्योंकि वे भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित है। वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की परवाह किए बगैर बार बार अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में शामिल रहा है। जर्मनी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 9,000 से अधिक अफगान शरणार्थी अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ अफगानों में अमेरिका पहुंचने पर खसरे का पता चला है, जिसके बाद वॉशिंगटन ने उनकी उड़ानें निलंबित कर दी थी। बर्लिन में संघीय आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि 9,139 अफगान शरणार्थी अभी भी जर्मनी में अमेरिका की सैन्य ठिकानों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने उड़ानों को निलंबित कर दिया है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए उड़ानें निर्धारित की गई थी, लेकिन सितंबर में अमेरिका पहुंचे ऐसे अफगान शरणार्थियों में खसरे के कुछ मामले सामने आने के बाद उड़ानें रद्द कर दी गई। बर्लिन ने साफ किया है कि फिलहाल में रैमस्टाइन एयरबेस और राइन आर्डनेंस बैरक, जो कि काइजर लॉन्टर में स्थित है, वहां फंसे अफगान शरणार्थियों में से किसी को भी जर्मनी में शरण का वादा नहीं किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सैन्य ठिकानों पर फंसे शरणार्थियों को अब खसरा, गलगन रोग, रुबेला और चेचक जैसी बीमारियों के खिलाफ टीका लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 3 अक्टूबर को तय समय से पहले 8,800 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। तुर्की में खोजकर्ताओं ने देश के दक्षिण पूर्वी प्रांत सान उलरिफा के कराहे टेपे में मानव आकृतियों और सिर की नक्काशी की खोज की है। माना जा रहा है कि 11,000 साल पुरानी नक्काशी प्राचीन समय के कलाकारों की कलात्मक प्रतिभा का एक अहम नमूना है। खुदाई में कई टी आकार के बड़े पत्थर, जानवरों के चित्रण और 3D मानव मूर्तियां भी मिली हैं। इसके अलावा एक 75 मीटर व्यास और 18 फीट गहरी एक इमारत भी खोजी गई है। प्रोफेसर नेगमी करुल की अध्यक्षता में खुदाई 2019 में शुरू हुई थी। इसे नवपाषाण युग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खोज कहा जा रहा है। गोबेकली टेपे को दुनिया का सबसे पुराना मंदिर स्थल माना जाता है, जिसमें 10वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की संरचनाएं मिलती हैं। पुरातत्वविद करहा टेपे में खुदाई से न सिर्फ इस साइट की जांच कर रहे हैं, बल्कि गोबेकली टेप के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। प्रोफेसर करुल ने कहा कि करहा टेपे खुदाई में मिली चीजें गोबेकली टेपे में मिली चीजों के समान है। गोबेकली टेपे में खुदाई 25 साल पहले शुरू हुई थी। इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह जिब्राल्टर में एक 40,000 साल पुरानी गुफा की खोज की गई है, जो ये पता लगाने में वैज्ञानिकों की मदद करेगी कि गुफाओं में रहने वाले मानव की जिंदगी कैसी थी। न्यूजीलैंड सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है कि वह विश्व के अन्य अधिकतर देशों की तरह ही कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकती है। देश के ऑकलैंड शहर में कोरोना का डेल्टा वेरियंट फैला है, लेकिन सरकार ने बेहद सख्त कोरोना लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया है। वही अब न्यूजीलैंड की सरकार लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपील कर रही है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने ऑकलैंड में लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंधों में ढील की घोषणा करते हुए ये बात स्वीकार की है। इस महामारी की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने कड़ा लॉकडाउन लागू कर अन्य कड़े कदम उठाकर वायरस को पूरी तरह काबू रखने की कोशिश की थी। अभी तक न्यूजीलैंड की ये रणनीति 50 लाख आबादी वाले देश के लिए कारगर साबित हुई थी। देश में संक्रमण से 27 लोगों की मौत हुई है।
जब अन्य देशों में मृतक की संख्या बढ़ रही थी और लोगों का जीवन बाधित था, तब न्यूजीलैंड के लोग अपने कार्यस्थलों, स्कूलों और खेल स्टेडियम में सामान्य रूप से जा रहे थे। लेकिन अगस्त में एक पृथकवास केंद्र में ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्यक्ति के डेल्टा स्वरूप के संपर्क में आने के बाद पूरे देश में बेहद कड़ा प्रतिबंध लागू किया गया था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।